हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम सवाल तमारा में। आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट पीरियड। जब किसी लड़की की एज हो जाती है तब उसको और उसके माता पिता को टेंशन होने लगता है कि उसके मेंस्ट्रुअल के रिगार्डिंग, तो उनके मन में कई सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आज उसके बारे में हम डिटेल में माहिती लेंगे सूरत के ख्यातनाम डॉक्टर काजल माउकिया मैम के पास से। गुड इवनिंग मैम। तो अभी जब पेशेंट आते हैं ओपीडी बेस पे, तो अगर उनकी लड़की पीरियड्स में नहीं आ रही है तो उनको कई सारे क्वेश्चन रहते हैं, क्यों अभी तक नहीं आए, क्या जल्दी आ गए तो भी उनको टेंशन रहता है। तो आज हम उस बारे में बात करेंगे। तो मैम, फर्स्ट पीरियड मीन्स क्या होता है? फर्स्ट पीरियड का मतलब होता है कि जैसे ही कोई लड़की है जिसकी उम्र 10 साल 12 साल जैसे हो जाती है, और एक टीनेज गर्ल जो हम बोलते हैं, या तो प्यूबर्टी जैसे शुरू होती है, तो उसके बाद उसको जो पीरियड आता है, पीरियड की शुरुआत होती है, और फर्स्ट टाइम जो पीरियड आता है उसे फर्स्ट पीरियड कहा जाता है। ओके, तो उसकी एज कितनी रहती है, कब आना चाहिए फर्स्ट पीरियड? फर्स्ट पीरियड का वैसे देखा जाए तो जो एज लिमिट जो है, पहले के ज़माने में 14, 15, 14, 15 साल के बाद पीरियड में शुरू होते थे, लेकिन आज का जो माहौल है, आज हम देख रहे हैं कि 8 साल की जो लड़की होती है उसको भी पीरियड शुरू हो जाते हैं। तो जो मम्मी रहते हैं उनको, मदर को काफ़ी चिंता हो जाती है कि मैम 8 साल की उम्र में, जैसे जो मदर आए थे अभी मेरे बीच में एक पेशेंट, कि मैम मेरा पीरियड तो 16 साल में शुरू हुआ था, मेरी बेटी तो अभी 9 साल की है और उसको पीरियड शुरू हो गया, तो क्या यह नॉर्मल है या कोई प्रॉब्लम है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि पहले जो एज फॉर फर्स्ट पीरियड था वो 14 ईयर्स 15 ईयर्स था, उसके बाद 12 ईयर्स हुआ, और आज के इस युग में 8 साल के बाद लड़की को कभी भी पीरियड्स आ सकते हैं। ओके, अब अगर किसी फर्स्ट पीरियड में आने वाले, तो उससे पहले कोई सिम्टम्स या ऐसा कुछ आता है कि उनके शरीर में कोई ऐसा चेंजेस आता है जिससे उनको पता चलेगा कि अब वो पीरियड्स में होने वाले हैं ऐसा? यस, जैसे जो लड़की है उसको भी पता चले और उसकी मदर को भी पता चले कि फर्स्ट ये जो प्यूबर्टी हम जिसे कहते हैं कि प्यूबर्टी में जो चेंजेस आते हैं, जो फर्स्ट डेवलपमेंट है, दैट इज़ अ थैलार्की, यानी कि ब्रेस्ट बर्ड डेवलपमेंट शुरू होता है, उसके 1 to 2 ईयर्स में प्यूबिक हेयर डेवलपमेंट शुरू होता है, और उसके विद इन 1 to 2 ईयर्स के बाद उनके पीरियड्स शुरू होते हैं। सो अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 ईयर्स का यह जो पीरियड होता है, तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हो कि जैसे आपकी बेटी है तो पहले उसको ब्रेस्ट डेवलपमेंट शुरू होता है, मतलब कि वो प्यूबर्टी के जो चेंजेस है वो आना शुरू हो गया है। सो यू कैन एक्सपेक्ट कि एक बार उसको अगर ब्रेस्ट डेवलपमेंट शुरू हुआ है तो विद इन 3 to 4 ईयर्स उसके पीरियड एक्सपेक्टेड है। और दूसरा कि जैसे अभी उनको फर्स्ट पीरियड आने वाले हैं, उसके पहले जो चेंजेस होते हैं कि योनि मार्ग में से थोड़ा येलोइश या तो वाइट कलर का लिक्विड शुरू हो जाता है, चिकाश जैसा लिक्विड शुरू हो जाता है, तो यह भी एक सिम्टम रहते हैं कि थोड़े ही महीनों में अभी उनको पीरियड्स आने वाले हैं। ओके, और पीरियड आने का रीज़न क्या है और वो क्यों ज़रूरी है पीरियड आना? पीरियड आना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जैसे डिलीवरी होती है एक बेबी गर्ल या तो आपकी जो डॉटर है उसका जन्म होता है, उसके बाद जो चेंजेस आते हैं कि प्यूबर्टी जिसे हम कहते हैं, तो पहले एक लड़की है उसके शरीर में जैसे ही टीनेज गर्ल हो जाती है वो, तो प्यूबर्टी आना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद ही उसके बॉडी में जो डेवलपमेंट आने हैं, उसका जो फिज़िकल, उसका जो बिल्ट रहता है वो चेंज होता है, ग्रोथ स्पर्ट आता है, यानी कि हाइट सडनली उनकी बढ़ जाती है, और यह जो लड़की है वो आगे चल के एक स्त्री बनने वाली है। सो आइडियली जैसे आपने वो मूवी वगैरह में देखा होगा कि जैसे पीरियड आते हैं तो पहले के लोग जो थे उसे एक सोशल टैबू वगैरह माना जाता था, जो कपड़े वगैरह थे उसके ऊपर, जो अभी हाल ही में मूवी आई है, तो आपको भी पता चलेगा कि यह जो पीरियड है, और एक दूसरा एग्जांपल उन्होंने समझाया कि पीरियड आने के टाइम वो एक सेलिब्रेशन करते हैं। सो आइडियली फ्रेंड्स, मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर आपकी बेटी का पीरियड शुरू होता है, फर्स्ट पीरियड आता है, तो आइडियली यू शुड सेलिब्रेट इट कि वह अभी बोलते हैं ना कि टीनेज गर्ल या तो एक स्त्री बनने के आगे उसके चेंजेस आना शुरू हो गए,
और नॉर्मल पीरियड आना ज़रूरी इसके लिए है क्योंकि जैसे हम सबको पता है कि एक स्त्री जो है वो आगे चल के जैसे उसकी शादी होगी और फिर प्रेगनेंसी रुकेगी, तो स्त्री ही एक दूसरे बच्चे को जब जन्म देना है तो उसके लिए उसके पीरियड्स आना बहुत ही आवश्यक होता है। ओके, जब पीरियड्स आता है तो पहले इरेगुलर रहता है, तो उसका टाइम क्या रहता है कि फर्स्ट पीरियड के बाद कब वो लोग ऐसा समझे कि बस उनका अभी रेगुलर शुरू हुआ है कि इरेगुलर, वो उनको कैसे पता चलेगा? नॉर्मली हमने देखा है कि जैसे फर्स्ट पीरियड शुरू हो गया उसके बाद काफ़ी लड़कियों को 2-3 महीने या 6 महीने पीरियड नहीं आता है, किसी किसी को 1 ईयर के लिए पीरियड नहीं आता है, और उसके बाद उनके रेगुलर 28 ± 7 days रेगुलर पीरियड शुरू हो जाता है। सो अगर आपकी बेटी को फर्स्ट पीरियड आया है और बीच में ऐसा 5-6 महीने पीरियड नहीं आता है तो इनिशियली वैसे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोई पेशेंट रहते हैं, कोई मदर रहते हैं, उनको बहुत ही चिंता होती है, तो आप एक रूटीन गायनेक चेकअप करवा सकते हैं। ओके, और किसी लड़की फर्स्ट टाइम पीरियड में हुई है या 2-3 साल हुआ है पर उनको कैसे पता चलेगा कितनी अमाउंट में उनका ब्लड लॉस होना चाहिए, हेवी है, नॉर्मल है या कम है फ्लो? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि नॉर्मल पीरियड कैसे रहता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहती हूँ कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 28 days ± 7 यानी कि 21 दिन से लेकर 35 दिन के बीच में अगर आपके पीरियड्स आ रहे हैं तो वो एब्सोल्युटली नॉर्मल है। फिर पीरियड का जो डेज है, ब्लीडिंग का जो डेट है, अप्रॉक्सीमेटली 5-7 days ब्लीडिंग शुरू रहता है, और जो रेगुलर फ्लो इसे माना जाता है कि जैसे आप पूरे दिन में 2-3 pads चेंज करते हो, लेकिन जो फ्लो है अगर वो क्लॉट्स के साथ आता है, गट्ठे गट्ठे अगर निकलते हैं तो दैट इज़ नॉट अ नॉर्मल फ्लो। और काफ़ी पेशेंट रहते हैं कि पीरियड शुरू होने के 10 दिन पहले पेन शुरू हो जाता है, तो यह सब एबनॉर्मल साइंस माने जाते हैं। सो अगर आपको कंसिडर करना है कि नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड क्या होता है, तो अगर किसी लड़की का रेगुलर पीरियड्स आ रहा है 28 ± जैसे मैंने बताया कि 21 दिन से लेकर 35 दिन के बीच में आपके पीरियड आ रहे हैं, ब्लीडिंग जो हो रहा है वो 5-7 days हो रहा है, पीरियड शुरू होने के 1-2 दिन पहले 24 घंटा पहले अगर आपको पेट में दर्द होता है, या तो पीरियड शुरू होने के बाद अगर पेड़ों के भाग में दर्द होता है, तो वह एब्सोल्युटली नॉर्मल चीज़ है। सो यह साइंस है नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के। अभी PMS के बारे में बोल रहे हैं कि प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम हम कहते हैं, और जनरली प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम यानी कि मेंसेस शुरू होने के पहले जो चेंजेस आते हैं, मोर ऑफ जो चेंजेस रहते हैं वो साइकोलॉजिकल चेंजेस रहते हैं कि जैसे मूड स्विंग्स आते हैं, इरिटेशन होता है, गुस्सा आ जाता है, कभी कभी कोई लड़कियां रहती हैं कि उनको रोना शुरू कर देते हैं वो लोग और कोई रीज़न नहीं होता है। सो उनको भी नहीं पता चलता है कि मुझे क्यों रोना आ रहा है, बस मुझे रोना आ रहा है। सो ऐसे काफ़ी लड़कियां आती हैं कंप्लेंट लेकर, काफ़ी मदर भी अपनी बेटी को लेकर आते हैं कि मैम पीरियड शुरू होने के पहले उसको रोना आता है या तो बहुत गुस्सा कर देती है। काफ़ी पेशेंट हम देखते हैं कि जिनको लूज़ मोशन शुरू हो जाता है और इरिटेबल हो जाते हैं, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ झगड़ा हो जाता है, तो यह सब जो सिम्टम्स है यह प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहा जाता है। काफ़ी लोगों को ब्रेस्ट में पेन शुरू हो जाता है, सो यह भी एक सिम्टम है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। ओके, तो इसके लिए कोई मेडिसिन या ट्रीटमेंट की ज़रूरत है उनको? जनरली प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो है तो वहाँ पे हम जो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट कहते हैं कि अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो, आपका वाटर इनटेक अच्छा है और आपका जो फूड है बैलेंस्ड, अगर हेल्दी डाइट आप ले रहे हो, तो बहुत कम चांसेस है कि आपको ऐसा कुछ सफ़र करना पड़े। लेकिन अगर सीवियर ग्रेड्स जो है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के, तो उसमें हम लोग जनरली जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स रहते हैं वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके, और पीरियड्स के टाइम पे उनको पेड का यूज़ करना चाहिए, टेम्पून का या मेंस्ट्रुअल कप का? जनरली हम आज बात कर रहे हैं फर्स्ट पीरियड के बारे में, तो फर्स्ट पीरियड जब भी शुरू होता है तो जनरली एक मदर को, माँ को अपनी बेटी को अच्छे से
समझाना चाहिए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, पीरियड क्या होता है, पैड कैसे यूज़ करना है, हाउ रेगुलर यू शुड चेंज द पैड। जैसे जनरली हम 6 से 8 घंटे में पैड चेंज करने की एडवाइस देते हैं और यह फॉलो करना बहुत ही आवश्यक है। सो जो मदर है उसे अपनी बेटी को समझाना है कि हाउ टू यूज़ पैड। और आपका जो सवाल था कि नॉर्मल ये जो रहता है पीरियड्स, ठीक है, सो जनरली जो स्कूल गोइंग लड़कियां हैं उनको मेरी एडवाइस है कि आपका जो बैग है उसके अंदर आपको एक सैनिटरी पैड, एक न्यूज़पेपर का जो रोल रहता है वो, और एक प्लास्टिक का बैग कैरी करना चाहिए, क्योंकि सैनिटरी पैड डिस्पोजल कैसे करना है वह भी बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। और इनिशियली मेरा ऐसा मानना है कि फर्स्ट पीरियड आ जाता है उसके बाद वी शुड गिव टाइम टू द गर्ल, जो लड़की है उसको पहले थोड़ा कंफर्ट जोन में आने देना चाहिए, मे बी 6 months 1 year। जैसे वो कंफर्ट जोन में आ जाती है उसके बाद हम उसके साथ डिस्कस कर सकते हैं कि जैसे उसको टैम्पून का यूज़ करना है या तो मेंस्ट्रुअल कप का यूज़ करना है, क्योंकि इसके लिए हाइजीन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, और कैसे उसका यूज़ करना व गाइडेंस व एजुकेशन देना बहुत ही आवश्यक है। और मेंस्ट्रुअल कप जो है वो बहुत ही इको फ्रेंडली है, जो रैशेज वगैरह के प्रॉब्लम आते हैं, इन्फेक्शन वगैरह के जो प्रॉब्लम आते हैं वो काफ़ी हद तक कम हो सकते हैं। अगर किसी लड़की को कैसे पता चलेगा उनका फर्स्ट पीरियड नहीं आया है तो कितने टाइम तक उनको वेट करना चाहिए कि उनका फर्स्ट पीरियड आएगा, और कब उनको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है? जैसे आपने बताया कि फर्स्ट पीरियड, जैसे हम बात कर रहे थे कि फर्स्ट पीरियड कभी शुरू होता है, 8 साल से लेकर कभी भी फर्स्ट पीरियड शुरू हो सकता है। लेकिन जैसे कि 14-15 साल की उम्र हो गई है, हम लोग जनरली एडवाइस करते हैं कि 16 इयर्स तक आपको वेट करना चाहिए। अगर 16 साल के बाद भी पीरियड नहीं शुरू हुआ है, या तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि थैलार्की यानी कि जो ब्रेस्ट में चेंजेस है, प्यूबिक हेयर डेवलपमेंट नहीं हुआ है, अगर आपको लगता है कि फिजिकल जो प्यूबर्टी में चेंजेस आने चाहिए वो भी नहीं आए हैं, और 16 साल की उम्र हो गई है, फिजिकल चेंजेस आए हैं लेकिन पीरियड शुरू नहीं हुआ है, तो ऐसे जो सिनारियो है इसमें आपको एक गायनेक चेकअप करवाना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन अगर आपको मैक्सिमम रुकना है तो 16 साल की उम्र तक रुक सकते हैं। ओके, और अगर किसी लड़की का पीरियड शुरू हो गया है पर हेवी है, इरेगुलर है, उनको कैसे पता चलेगा और उनको कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए? यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि वेन टू कंसल्ट अ डॉक्टर। सो बेसिकली पीरियड्स के रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स अपने सोसाइटी में हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे यह चीज़ मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि पहले तो आपको जैसे मैंने बता दिया कि नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। सो अगर किसी महिला का या तो अगर किसी लड़की का पीरियड 21 दिन से कम दिन में आ जाता है, जैसे 15-15 दिन में पीरियड शुरू हो जाता है, या तो यदि उनके पीरियड 35 डेज के ऊपर हो जाते हैं कि जैसे 2 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार, ऐसे अगर इरेगुलर पीरियड्स हैं, या तो जल्दी आ रहे हैं या तो लेट आ रहे हैं, डिलेड है पीरियड्स। दूसरा कि उनका जो फ्लो है, नॉर्मली 5 से 7 दिन ब्लीडिंग शुरू रहता है, अगर 10 से 12 दिन ब्लीडिंग शुरू रहता है या तो 15-15 दिन ब्लीडिंग शुरू रहता है, और यह जो ब्लीडिंग है उसके साथ खून के गट्ठे गट्ठे निकलते हैं, क्लॉट्स वगैरह अगर पास करते हैं तो उनको गायनेक चेकअप की आवश्यकता है। अगर उनको पीरियड शुरू होने के 10 से 15 दिन पहले पेट में दर्द होता है, कमर में दर्द हो रहा है, या तो पीरियड्स कंप्लीट हो जाता है उसके बाद भी कंटिन्यूस उनको पेड़ों के भाग में अगर दर्द शुरू रहता है तो उनको गायनेक चेकअप और एक सोनोग्राफी की बहुत ही आवश्यकता होती है। दूसरे जो पेशेंट अभी हम देख रहे हैं कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के, जिसमें इरेगुलर पीरियड्स रहते हैं, सडनली उनका वेट गेन हो गया है, तो ऐसे सब समस्याएं जब है आपके हार्मोनल इम्बैलेंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। थायराइड के प्रॉब्लम्स भी अभी हम देख रहे हैं कि यंग गर्ल्स में, टीनेज गर्ल्स में भी थायराइड के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो ऐसे अगर आपको तकलीफ है तो आपको ज़रूर से गायनेक चेकअप करवाना चाहिए। सो फ्रेंड्स, अंत में मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आपको या तो आपकी जो मदर, मेरे जो व्यूअर्स हैं उसमें
कि आपकी बेटी का अगर फर्स्ट पीरियड शुरू हो रहा है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जनरली हमारे जो क्वेश्चंस रहते हैं, आपके जो क्वेश्चन रहेंगे, उसको जल्दी हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो दूसरे वीडियोस रहेंगे उसमें आपके सवाल के जवाब के साथ हम आ जाएंगे। थैंक यू मैम। मैम के पास से अभी हमने फर्स्ट पीरियड के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है, मेरे क्वेश्चन थे, कोई ओपीडी पेज पे जो पेशेंट आ रहे हैं उनके क्वेश्चन थे, उसके बारे में हमने डिटेल्स में माहिती ली है। अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम उसको टॉपिक बना के नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो देखते रहिए हर बुधवार को सवाल तुम्हारा। थैंक यू।